नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। कालाबाली में सीएम द्वारा की गई घोषणाओं की ग्रांट चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। मंडी के विकास को लगा मानव ग्रहण। युवा पार्षद बैठे हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। आप देख रहे हैं पल पल। कालाबाली से कैमरामैन जगतार सिंह तारी के साथ विमल गुप्ता की ये रिपोर्ट। 25 अक्टूबर 2016 को सीएम द्वारा कालाबाली रैली में करीब 14 करोड़ की ग्रांट पास की गई थी, जिसमें मंडी की ज्यादातर सड़कें बनाई जानी थी। उनके एस्टीमेट भी बना दिए गए, इसके टेंडर भी हो गए और अब बात आती है काम शुरू होने की, पर काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। इसी को लेकर के आज पार्षद संजू वर्मा व पार्षद प्रतिनिधि सुनील अहलावत दोनों ही मंडी के पंजाब बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके साथ मंडी की सामाजिक संस्थाएं व दूसरी राजनीतिक पार्टियों का पूरा समर्थन है। दोनों युवाओं का आरोप है कि फाइल चंडीगढ़ में अटकी पड़ी है, वहां पर बैठे अधिकारी टेक्निक अप्रूवल के नाम पर कमीशन मांग रहे हैं और बिना कमीशन के वहां पर कोई भी फाइल निकालना नामुमकिन के बराबर है। वहीं धरने पर न्यू आरती एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप जैन, जिला मानवाधिकार मिशन के अध्यक्ष कृष्ण जिंदल, कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रधान ओम प्रकाश लहानी, सिकंदर भैया, लखबीर सिंह सोडी, महेश झोरड़, सहारा क्लब के बहादुर सिंह सोनी, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन ओम प्रकाश वाजपेयी सहित अनेक सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि धरने पर बैठ करके अपना विरोध जता रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के हरियाणा में सरकार बनाने वाली भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण कोई और दूसरा नहीं हो सकता कि आज खुद ही नगर पार्षदों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। अब इसे भाजपा सरकार की नाकामी कहिए या ना समझी, क्योंकि अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। बिना रिश्वत दिए कोई भी काम करना नामुमकिन है। इसी तरह के आरोप दूसरी पार्टियों के सदस्यों ने भी लगाए। खैर, देखना होगा कि अब होता क्या है। परंतु धरने पर बैठे पार्षदों सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने कहा कि यह ना तो किसी पार्टी का धरना है और ना ही किसी विशेष पार्टी के विरोध में धरना है। यह धरना केवल भ्रष्टाचार के विरोध में है और जब तक उनकी समस्या का हल नहीं हो जाता तब तक यह धरना निरंतर जारी रहेगा। आप देख रहे हैं पल पल कालावाली से ये खास रिपोर्ट। संजू वर्मा जी, आप युवा पार्षद हैं, बहुत अच्छा बीड़ा उठाया अपने मंडी को जगाने के लिए। ये जो भूख हड़ताल आपने रखी है, हो सकता है प्रशासन की आंखें खुले, हो सकता है ना भी खुले, तो आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जैसे कि 25 अक्टूबर 2016 को हमारे सीएम की यहाँ पे रैली हुई थी, उन्होंने, हम सरकार को तो नहीं बुरा कहेंगे क्योंकि सीएम साहब ने यहाँ की दुर्दशा सुधारने के लिए, मंडी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये यहाँ पे दिए। ये कहीं ना कहीं जहाँ पर जो प्रशासन की, जो प्रशासन पे जो पकड़ है सरकार की, वो बहुत ही ढीली है, जिसके कारण प्रशासन अपना अच्छी तरीके से सही ढंग से काम नहीं कर रहा। ठीक है, जिसको लेकर जो हमारे 14 करोड़ के यहाँ पे सड़कों को लेकर टेंडर लगे हुए थे, उनकी जो फाइल है वो तीन महीने और कुछ दिन की से वहाँ पे अपने चंडीगढ़ के अंदर पड़ी है। ठीक है, वो भ्रष्टाचार को लेकर वहाँ पे जो उनका मांग है वो पूरी नहीं की जाएगी, वो यहाँ पे वो फाइल वापस नहीं भेजेंगे। देखिए, एज पर रूल जो टेंडर लगने का वो होता है, वो पहले टेक्निकल अप्रूवल ली जाती है, जो कि ये उन्होंने एक अपना साइड का रास्ता रखते हैं कि टेक्निकल अप्रूवल के बिना ये एक अपना टेंडर लगा देते हैं। उसके बाद टेक्निकल अप्रूवल के बहाने ये वहाँ पे जो ठेकेदार जो वहाँ पे फाइल लेने जाता है तो उनसे ये पैसों की मांग करते हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि वो जल्द से जल्द अपने इस केस को अपने निगाह में लाए और हमारे जो काम रुके पड़े हैं उनको जल्द से जल्द शुरू करें। आज भूख हड़ताल का बीड़ा उठाया है, किस मजबूरी को लेकर आपको ये पहल करनी पड़ी है? पहले तो मैं अपनी मंडी निवासियों का और मेरे सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस भूख हड़ताल में हमारा समर्थन किया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो मेन बात है, हम
हमारे यहाँ पर लगभग दो सवा दो साल पहले सीएम की रैली हुई थी, उस रैली में उन्होंने हमारी सड़क की जो शहर की जो सड़कें हैं उनकी दूरदर्शित बहुत ही पूरी दूरदर्शा हुई हुई है, उसकी वजह से हम नगर पालिका ने 14 करोड़ का टेंडर लगाया था। उस टेंडर को लगे हुए लगभग 3-4 महीने के करीब हो गया है और वो फाइल पंचकुला अर्बन लोकल बॉडी ऑफिस में पड़ी है, हेड ऑफिस में, लेकिन वहाँ से वो कभी कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कहीं कोई लगा देते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है भी भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। जब तक वो वहाँ से हमको क्लीयरेंस नहीं देते, वर्क ऑर्डर नहीं देते, टेक्निकल अप्रूवल नहीं देते, तो किस बात को लिए वो आनाकानी कर रहे हैं? आपका क्या कहना चाहते हो आप? मतलब कोई पैसे की डिमांड हो रही है? सीधी बात है, जब टेक्निकल भ्रष्टाचार, पैसे के बिना तो भ्रष्टाचार होता नहीं, कोई ना कोई डिमांड है तभी तो रोड अटका रहे हैं। लोहानी जी, आज जो ये भूख हड़ताल रखी गई है विशेषकर दो पार्षदों द्वारा, वैसे सारी मंडी का समर्थन है, तो उसमें आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे? ये जो हमारी सड़क का टेंडर सरकार ने किया है, सरकार की तरफ से ग्रांट भी अलाट हुई है, लेकिन प्रशासन की वजह से नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की भेंट ये फाइल चढ़ी हुई है, उसकी वजह से ये दो युवा पार्षद हमारे आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम इनके साथ हैं, जब तक ये बैठेंगे हम इनके साथ हैं। हाँ जी, देखिए प्रशासन इतना भ्रष्टाचार पे डूब गया है, नसूर बन गया है ये भ्रष्टाचार, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता, मजबूर होकर हर पार्टी का नुमाइंदा यहाँ बैठा है, ये सांझी लड़ाई है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, समान विकास हो रहा है, ग्रांट आ रही है, लेकिन प्रशासन के लोग ऊपर पंचकुला जाकर फाइल को रोक लेते हैं और गलियों का बुरा हाल है। हम सारे मंडी निवासी सारे प्रतिनिधि मांग करते हैं कि प्रशासन के लगाम लगाइए।